गुरु दसम पातशाह की बाणी मानता है तो ही दर्शन शराग सीखा गया अकाल तख्त साहब, जिन्हों पता नहीं है जिन्हों तो बोलते हैं, कई आदि मशहूरी वास्ते बोलते हैं, कई पैसा इलाज में बोलते हैं। अयोध्या च राम मंदिर के उद्घाटनी समारोह मौके सिख गुरुआ बारे विवादित बयान देने तो बाद ज्ञानी इकबाल सिंह पहली बार मीडिया सामने आए तो उन्होंने कहा कि वह अपने बयान से अज भी कायम ने ते दसम पातशाह ने दसम ग्रंथ च अपनी बंसावली नामा आप लिखा है। उस बंसावली नामे अनुसार उन्हों का सोढ़ी वंश है, उन्होंने लिखा है कि साडा खानदान लव वंश नाल जुड़ता है। इकबाल सिंह ने कहा कि जो गुरु साहब ने लिखा है मैं सिर्फ उही बोलिया। आ सुनो जरा साबका जथेदार दा सिख गुरुआ बारे होर की कहना है। देखो ये भी मैनू सदा पत्र आया, मैं उन्होंने सदा पत्र आया सी, वो क्यों नहीं गए वो दस सकते हैं। एक गल मैं कहना भी वो अपनी सारी समझते हैं क्यों नहीं गए वो कर सकते, मैं नहीं कर सकता। देखो गुरु गोबिंद सिंह जी ने दसम गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर आप खुद लिखा है कि साड़ी जी सोढ़ी वंश है, ये साड़ी वंशावली जी है और रामचंद्र जी के वड्डे पुत्र लव के नाल जाके जुड़ती है, लव तो यह आरंभ होती है उत्तर साड़ी वंशावली जुड़ती है। तो इस गल पर गुरु साहब ने आप लिखा, उस किसी की कोई गल नहीं। जिहड़े लोग पढ़े लिखे ने जिहड़े समझदार ने जिन्हां नूं सोझी वह कोई नहीं बोलता, जिन्हां नूं पता नहीं है जिन्हां नूं तो बोलते आ, कई आदि मशहूरी वास्ते बोलते हैं, कई पैसे के लालच में बोलते हैं, वो कई तरह के लोग बोलन वाले है। पर इस गल नूं जो है दसम पातशाह की बाणी ते किंतु परंतु करना जिहड़ा है ना, एक बोलना बहुत गलत है। जो गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने मर्यादा चलाई है तो उन्होंने जो बाणी है उस बाणी के जो सिख किंतु करता है वह किमें सिख हो सकता है, इस करके उस सवाल पैदा ही नहीं हो सकता, क्योंकि दसम पातशाह की बाणी किसी ने माता थोड़ी देनी है। तो दूसरी गल यह है कि जोड़े विद्वान ने जोड़े पढ़े लिखे ने वो कोई ऐसा बयान नहीं दे रहा। तो जे गुरु दसम पातशाह की बाणी मानता है तो ही दर्शन शराग छिकया गया अकाल तख्त साहब ने, दसम ग्रंथ के विरुद्ध बोलन करके उन्हें छिकया गया। इस वास्ते जोड़े भी विरुद्ध बोलते उन्होंने छिकया जाता है, अकाल तख्त साहब को छिकया गया। इस वास्ते ये तो गल बिल्कुल गलत है। फिर दूजी गल यह है भी इस वक्त सानू इस गल का माण है कि साढ़े जो पैदा गए हरप्रीत सिंह सिंह साहब बहुत पढ़े लिखे बहुत विद्वान है, बहुत सोहने ढंग के नाल सारा जो प्रबंध है कौम की अगुवाई कर रहे हैं, सारे प्रबंध चला रहे हैं। तो इस गल का सानू माण है कौम की इस गल के उन्होंने, तो सारा जरा बहुत सोहने ढंग चलाते। देखो लोग तो गुरु साहब के टाइम बोलते रहे, गुरु नानक देव साहब महाराज के होंदया उन्होंने खिलाफ बोलते रहे हैं, तो लोगों की कि गल है, लोग तो समय होंगे ही ने, विरोधी तो हमेशा ही होंगे ने। जिन्हें जिन्हें महापुरुष है बड़े बड़े महापुरुषों के लोगों ने बड़े बड़े इल्जाम लगाए, ऐसी कोई गल नहीं है। लोगों तो बोल लोगों भी चुप नहीं कर सकता ना कोई कुछ कर सकता है। जिदा गल तो साड़ी सिखा दी है, जेड़े आप मानते हैं भी गुरु गोबिंद सिंह साढ़े पिता ने वो कोई नहीं बोलेगा। जिन्हों को स्वार्थ है कोई मतलब है, जिन्हों को सिखी ना मतलब नहीं है, जो दिखावे दे सिख बने सिखी ना मतलब जो मर्जी। इत्थे दस दिए कि अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटनी समारोह च पहुंचे साबका जथेदार इकबाल सिंह ने गुरु नानक देव जी ते गुरु गोबिंद सिंह जी नूं भगवान राम दे पुत्रां दे वंशज दस दिता सी, जिस तों बाद सिख संगतां च गुस्से दी लहर है। अमृतसर तों ब्यूरो रिपोर्ट हकीकत टीवी पंजाबी।